नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। खालिस्तान आंदोलन कई दशकों से चल रहा है और अब हालात यह हैं कि एक उपहास ही बनकर रह गया है। कुछ महीने पहले ब्रिटेन में एक पृथक खालिस्तान राज्य के लिए जनमत संग्रह कराने के पश्चात अब खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में जनमत संग्रह कराना शुरू कर दिया है। भारत में प्रतिबंधित आतंकी संस्था सिख फॉर जस्टिस कनाडा में खालिस्तान पर 18 सितंबर को जनमत संग्रह का आयोजन किया गया। वहीं कनाडा में रह रहे भारत के समर्थक सिख समाज ने इस देश विरोधी गतिविधि का कड़ा विरोध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पंजाब में एक नया राज्य खालिस्तान के निर्माण पर जनमत संग्रह के लिए अपना वोट डालने के लिए हजारों सिख रविवार को ब्रैम्पटन में गौर मिडोज कम्युनिटी सेंटर में मतदान केंद्र पर टोरंटो पहुँचे। यह कम्युनिटी सेंटर कनाडा सरकार द्वारा संचालित है और इसी में यह मतदान की प्रक्रिया हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रक्रिया से पहले एक विशेष प्रार्थना भी की गई। जनपद संग्रह में मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग आए थे। मतदाताओं ने कहा कि जनमत संग्रह के नतीजे से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिख भारत से आज़ादी चाहते हैं। यह जनमत संग्रह आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के तत्वाधान में किया जा रहा है। भारत के विरुद्ध आग उगलने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू इस आतंकी गुट का प्रमुख है। इस जनमत संग्रह में खालिस्तानी आतंक कनाडा में रह रहे सिखों से यह पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब को एक अलग देश बनाना चाहिए। खालिस्तानी आतंकी सिखों को भ्रमित कर रहे हैं, वह उन्हें दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं और भारतीय पंजाब राज्य को काटकर एक नया देश दुनिया के मानचित्र पर दिखाई देगा और भारत के सिखों को अब आज़ादी से और वंचित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि भारत के पंजाब को एक अलग देश बनाए जाने के लिए कनाडा में निर्वाचन किया जा रहा है? क्या ये सही है या गलत है? ये भारत देश के लिए तो बहुत ही गलत बात है। आप इस वीडियो को देखकर हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है कि आप क्या चाहते हैं, आपके विचार क्या हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।